guys, welcome back to the channel. I hope you all are doing absolutely fine. सबसे पहले जय श्री राम बोलो. जय श्री राम. मतलब इस वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा आपने. इसमें कुछ बोलने के जैसा कुछ भी नहीं है. हम सबको पता है जो भी हो रहा है, सिर्फ उसको हम सब विटनेस कर पा रहे हैं. यही हमारे सौभाग्य की बात है. तो हमने भी जो भी थोड़ा बहुत कुछ किया वो आपको दिखा दूं. खाने की तैयारी. सबसे पहले हम लोग बलून्स का काम कर लें. क्यों? यस. हाँ यस. चलो जल्दी चलो. सारी शॉपिंग हो गई है. सबसे पहले भी आज रात में ही हम लोग 21st की रात में पहले बलून्स का काम कर लेते हैं. ठीक. यस. अभी आपातकालीन में एक भगवाधारी को मैंने नियुक्त किया है कि तुरंत. और यहाँ एक बदमाश बच्चा है. केवल बदमाशी के अलावा इसको और कुछ नहीं आता है. काम में बाधा डालता है. राम के काम में बाधा डालने वाले को राक्षस कहा जाता है. इसलिए तुम अरे मोबाइल मत करो. ये चलो हटो. अरे हट जाओ ना बेटा. वो बलून वहां से हटा दीजिए नहीं फूट जाएगा. तैयारी जोर शोर से शुरू है. जब बाकी शॉपिंग हो गई, फुल शॉपिंग हो गई है. अब धीरे धीरे आप जैसे वहां का लुक देख रहे हैं ऐसे यहां का भी लुक मिलने वाला है. तो इस बार कर ली तैयारी. हमारे सारे बलून्स रेडी हो गए हैं. थोड़ा बहुत कुछ कर लिया जाए. बहुत कुछ तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत कुछ. और कल पूजा के टाइम पे ये रहेंगे भी नहीं. क्यों अभी कुछ कर लीजिए. तो सुबह हो गई है और बस कुछ ही पल का इंतजार है. तैयारियां ऑलमोस्ट हो चुकी हैं. हमारा मंदिर सज चुका है. भगवान जी के लिए ये सिंहासन तैयार है. हम भी भगवान जी को लेकर के आए हैं. और यहाँ पे मैंने अभी सुबह उठ के कुछ तैयारियां कर ली है. हमारे भगवान जी है यहाँ पर. इसके साथ ही क्योंकि राम जी को खीर बहुत ज्यादा पसंद है इसलिए प्रसाद के लिए आई एम मेकिंग खीर. हमारा प्रसाद ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है. बस थोड़ा सा और पक जाए. सो फाइनली आई एम ऑल्सो रेडी इन द भगवा कलर. एंड आरव ने अपना टीका ऑलरेडी खराब कर दिया है. ये नहीं है, ये चले गए हैं बिकॉज आज हॉस्पिटल में भी रहना जरूरी है. वहां पे भी अपना इनको जो भी काम है वो सारा साफ सफाई और सारी चीजें. कर्म ही पूजा है कहा जाता है तो कर्म भूमि पे होना जरूरी है. हम लोगों की आज छुट्टी थी तो हम अपने भगवान को लेकर के आ रहे हैं. अब मैंने सारी पूजा की सारी तैयारी कर ली है. खुद भी रेडी हो गए. भोग बन गया है और आप देख सकते हैं भगवान जी का आसन भी एकदम रेडी हो चुका है. आरती रेडी हो चुकी है. सब कुछ एकदम रेडी है. यहाँ पर भगवान जी का भोग भी रेडी है. ये भगवान जी की खीर और जल ये रेडी है. इसको फिलहाल हम लोग ढक देते हैं. हनुमान जी के लिए आ गए हैं उनके फेवरेट लड्डू. और बाकी ये हमारे भगवान जी और ये तैयारियां हैं. दिस इज हाउ आवर मंदिर इज लुकिंग. सो मतलब ये एक ऐसा मोमेंट है ना जिसको शब्दों में बयान करना शायद थोड़ा सा मुश्किल है. बहुत ही इमोशनल टाइप का माहौल है और हर इंडिविजुअल इमोशनल फील कर रहा होगा इस टाइम पे. बिकॉज जैसे जैसे हमने ग्रो किया है, हमने ये सारी स्टोरीज सुनी है. हम कई बार वहाँ अयोध्या गए भी हैं और हर रूप में उनको देखा है. और फाइनली आज जब वो सच में सच हो रहा है तो बिलीव नहीं हो रहा है. सो अब जल्दी से वो मोमेंट आ जाए कि भगवान श्री राम अपने महल में आ जाए. जोर से बोलो जय श्री राम. जस्ट थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है. जय श्री राम. जय श्री राम. हर एक इंडिविजुअल के लिए आज का दिन जो विटनेस भी कर पा रहा है उसके लिए ये बहुत बड़ा दिन है. स्पेशली जो लोग वहां पर हैं नहीं हैं. हम मतलब जिस टाइम पे हम धरती पे हैं उस टाइम पे हम ये विटनेस कर पा रहे हैं. 500 साल की लड़ाई आज फाइनली भगवान को उनका दरबार उनका महल मिल रहा है जहाँ पे
जहां पर वो विराजमान होंगे, जहां बैठेंगे, जहां हम उनके दर्शन कर पाएंगे। सो हम इस सदी में पैदा हुए हैं, हम जीवित हैं अभी, यही अपने में बहुत बड़ी बात है कि हम इस ऐतिहासिक क्षण को देख सकते हैं। नहीं तो बाद में हिस्ट्री हो जाएगा, जो लोग अब से बाद में आएंगे वो सुनेंगे कि ऐसा कुछ हुआ था। या अगर यही चीज़ हमारे बाद होती, मतलब भगवान का डिसीजन बहुत 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 ही बड़ी बात है। आरफ कैसा लग रहा है? बड़ी हमको खुशी है कि राम जी आएंगे। अरे वाह। उत्तर प्रदेश सरकार का चिकित्सा विभाग, उद्यान विभाग, ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली तस्वीर आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ में एक चुनरी है और उसी के साथ ये आज की पहली तस्वीर राम मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप देख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, नरेंद्र मोदी गर्भगृह में पहुंचेंगे और लगातार मंगल बनी है। अलग अलग राज्यों के जो वाद्य यंत्र है वो यहाँ पर सुनाई पड़ प्राण प्रतिष्ठा की विधि शुभारंभ हो गई है और सारा कुछ करके सिर्फ उस 89 सेकेंड्स के लिए ही टाइम होगा जब आपको मूर्ति को स्थापित करना होगा। तो हम भी बाकी सारी पूजा की विधियां कंप्लीट कर लेते हैं, पूरी कर लेते हैं और हम लोग इंतजार करते हैं उस शुभ घड़ी का। पटाखे छूटने लगे हैं, सबकी खुशियों का ठिकाना नहीं है। ये वो मोमेंट है जिसके लिए सबने इतना इंतजार किया था। बाल राम जी बाल रूप में कितने सुंदर। सभी संत एवं ऋषिगण आप सबको प्रणाम, आप सबको राम राम। आए बड़ी देर से भगवान का है वो देवी माता को प्रणाम। एक बार फिर जय श्री राम। जय श्री राम।
जय। गई है शाम, दीपोत्सव की तैयारी, सारी दिया रेडी हो गई है, सारी कैंडल्स जल गई है। अब सुबह के टाइम पे ये नहीं थे, तो इस टाइम पे इनको कुछ कर लेने दिया जाए। पहले वो बड़े वाले दोनों दिए ले लीजिए और गेट के दोनों तरफ। फेस देख लीजिए ना किधर का। आरव ने ये फ्लावर की रंगोली बनाई है। जय श्री राम, जय श्री राम। पड़ गई है शादी, जिसके लिए हम लोग सब निकल चुके हैं शॉपिंग के लिए। तो पीछे बैठी है दुल्हन, जो कि बीच में है। इधर दुल्हन की बहन, दुल्हन की बहन, दुल्हन की दादी। हाय करिए दादी। दुल्हन का भाई, दुल्हन का भाई। और दुल्हन के चाचा। तो हम लोग चल रहे हैं, अब आज से हो रहा है शॉपिंग का शुभारंभ। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। सब शॉपिंग कर करके थके हारे लोग, दुल्हन इंतजार कर रही है किसी चीज का। क्यों चाचा जी, तो बनोगे ना? एक दिन की शॉपिंग कंप्लीट होने के बाद आज दुल्हन को दिखा दीजिए। डे टू दुल्हन का देखो। हेलो दुल्हन, आज दुल्हन का लहंगा फाइनल होने वाला है, जो कि दिखाया तो नहीं जाएगा। शॉपिंग दिखा सकते हैं लेकिन लहंगा नहीं दिखाएंगे। चलते हैं आज की शॉपिंग। क्यों मुंह बनाया है? मुंह क्यों बनाया? दुल्हन का सब फाइनल हो गया। आज की लास्ट राउंड ऑफ शॉपिंग। ये देखो एक कार्टून बच्चा, ये दुल्हन। चिबिरिस चिबिरिस।